लगातार 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया ने जब किया इस शख्स को वीडियो कॉल तो उसे भी आश्चर्य हुआ, हैरान हो गया कि केंद्रीय मंत्री का वीडियो कॉल आ गया। क्या हुआ ऐसा कि वीडियो कॉल की चर्चा होने लगी हर तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया की। मैं पहले आपको बता दूं कहां कॉल पहुंचा, किस शख्स के पास पहुंचा। दरअसल ज्योतिराय सिंधिया मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच अपने क्षेत्र के, खासकर गुना शिवपुरी जो क्षेत्र है, पहले जो रहा है उनका क्षेत्र, इसमें अशोकनगर जो है, अशोकनगर क्षेत्र है, वहां जो कोरोना संक्रमित हुए हैं होम आइसोलेशन में है, उनका हालचाल जान रहे हैं ज्योतिराय सिंधिया, सबकी जानकारी ले रहे हैं बारीकी से। तो देखिए जब ऐसे ही एक शख्स विपिन बालिया जो है उनके पास ज्योतिराय सिंधिया का वीडियो कॉल आया तो कैसे सिंधिया ने पूरा हालचाल जाना, देखिए। आपकी तबीयत अब कैसी है? बहुत ठीक है महाराज, पहले से बेहतर है। कितने दिन हो गए आपको? आज महाराज छठवां दिन है। छठवां दिन, और क्या लक्षण क्या है? गले में खराश थी और एक दिन फीवर आया था बस। बुखार भी चला गया? बुखार दूसरे दिन चला गया था और गले में खराश चौथे दिन चली गई थी महाराज साहब। और बदन दर्द या और कोई लक्षण? पहले दिन हुआ था महाराज साहब। ठीक है, और आप आइसोलेशन में हो ना, घर में दूसरे लोगों के साथ? मैं घर नहीं, नहीं घर में अलग रूम में हूँ महाराज साहब। अलग रूम में रहना आप, क्योंकि क्या है कि इससे बहुत जल्दी करीब 6 या 7 गुना ज्यादा डेल्टा से ज्यादा ये जल्दी फैल जाता है, तो थोड़ा आप अलग रहना परिजनों से, नहीं तो परिजनों को भी जल्दी हो जाएगा। जी जी महाराज साहब, कोई चिंता करने की बात नहीं है इसमें, और अपना ध्यान रखना। और दवाई ले रहे हो आप? जो गवर्नमेंट से दी गई थी वो दवाई ले रहा हूँ महाराज साहब। सरकार ने दे दी ना दवाई? हाँ बिल्कुल महाराज साहब, पूरे घर दे के, घर आके वो किट दे गए। फोन आ रहा है रोज आपका देखभाल पूछने के लिए। जी जी महाराज साहब, ये तो बड़ी फक्र की बात है कि आप दिल्ली बैठ के यहाँ के लोगों की इतनी फिक्र कर रहे हैं मेरे जैसे, तो ये तो बहुत गर्व की बात है महाराज साहब हमारे लिए। क्यों, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, मैं नहीं आपका फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा भाई, जब आप मेरे। अरे महाराज साहब ऋणी हो गए हम तो, महाराज साहब आपके ऋणी हैं और रहेंगे, इतनी फिक्र कर रहे हैं। घर पे भी सबको मेरी तरफ से कह देना, मेरा प्यार दे देना। देखा आपने वीडियो कॉल को, ज्योतिराय सिंधिया पूछ रहे हैं हालचाल, पूछ रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं कि अगर होम आइसोलेशन में है तो दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, साथ ही साथ सुविधाओं की जानकारी ले रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं कैसे ध्यान रखना है इस दौरान अगर संक्रमण होता है तो। सीधे वीडियो कॉल पहुंच जाना दरअसल ज्योतिराय सिंधिया का किसी शख्स के पास क्षेत्र के, ये चर्चा का विषय बन गया। अब चूंकि कॉल आया दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया का अशोकनगर में बैठे एक शख्स के पास, तो क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र में अब चर्चा इस बात को लेकर होने लगी ज्योतिराय सिंधिया की सक्रियता को लेकर। आपको पता है गुना सीट से लोकसभा चुनाव हार गए थे ज्योतिराय सिंधिया, केपी यादव ने उन्हें हराया था। अभी भी कई बार स्थितियां ऐसी आती हैं कि केपी यादव और ज्योतिराय सिंधिया के बीच में सब कुछ ठीक है ऐसा तो नजर नहीं आता, कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, विरोधाभास जैसी स्थितियां नजर आती हैं गले मिलने के बाद भी। लेकिन अब ऐसी स्थिति में ज्योतिराय सिंधिया की सक्रियता फिर से अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति बढ़ी है। अकेले एक शख्स ये नहीं जिससे बात की, तमाम बताया जा रहा है कि क्षेत्र के लोगों का हालचाल जान रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया इस दौर में जब कोरोना का संक्रमण फिर से मध्य प्रदेश में तेज है, और अपने क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहे हैं ज्योतिराय सिंधिया। अब ये संवाद क्या हुआ, संवाद से चर्चा इस बात को निकल गई सियासत में कि ज्योतिराय सिंधिया फिर से गुना संसदीय क्षेत्र और अशोकनगर खासतौर से ध्यान देते हुए फिर अपनी जो है वो जिसे कहते हैं शक्ति, दोबारा जिसे कहते हैं आधार, उसको मजबूत कर रहे हैं। अशोकनगर से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे संवाददाता राहुल कुमार जैन, आप देखते रहे एमपी तक।